इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोटोशॉप के बारे में। मुझे पता है कुछ लोगों को फोटोशॉप प्रोग्राम थोड़ा अजीब सा लगता है, मगर हमारी इस ट्रेनिंग आपको फोटोशॉप के बारे में काफ़ी कुछ पता लग जाएगा। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, और आज हम सीखेंगे कि एक फ़ोटो को कुछ स्टेप्स में हम कैसे ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं और इमेज को क्रिएटिव वे में कैसे बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हम इस इमेज को ब्लैक एंड वाइट कैसे करेंगे और सेकेंड, इस इमेज की लिप्स का कलर कैसे वापस लाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी एक इमेज को उठा सकते हैं जो कि इसके जैसी हो। सबसे नीचे आपको मिलेगा एक एक्लिप्स टाइप का सर्कल बना हुआ, जिसको आपको क्लिक करना है और फिर आपको वहाँ ब्लैक एंड वाइट आप जैसा देख सकते हैं कि फ़ोटो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। अगर आप कुछ गलत भी कर लेते हैं तो इसको इस तरीके से डिसेबल भी कर सकते हैं। इस आइकन को दबा के आप रीसेट भी कर सकते हैं अपनी एडजस्टमेंट्स को। इस इमेज में कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस लग रही है, तो हम इसको ब्लू से एडजस्ट कर देते हैं, तो ये डार्क में चेंज हो जाएगी, जिससे हमें इमेज ब्राइटनेस को कम करने में मदद मिलेगी। और हम इसमें मैजेंटा को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये इमेज अच्छी लग रही है, तो जो कि आप देख सकते हैं। आप बी दबा के ब्रश टूल को इस्तेमाल करेंगे। इसमें टूल पैनल में जाके अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें से हमको चाहिए ब्रश टूल। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्रश की प्रॉपर्टीज़ पैनल को खोल देगा। कुछ और ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, बस इनको खोल के कंफ्यूज मत होना। हमको इसमें सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए। पहला, सबसे पहली वाली ब्रश सेलेक्ट करें। दूसरा, आपको हार्डनेस को बिल्कुल ज़ीरो रखना है। लास्टली, आपको इसमें ब्रश का पिक्सल साइज़ इंक्रीज़ कर लेना है अकॉर्डिंगली। आपको ध्यान रखना है कि कलर में इस जगह ब्लैक सेलेक्ट होना चाहिए ऑन टॉप। अगर वाइट ऊपर है तो आप सिर्फ एक्सप्रेस करेंगे तो आपका ये कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब आप जूम टूल का को एक्टिवेट कर लीजिए जेड दबा के। अब आपको आपका कर्सर कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप बी प्रेस करके अब आप ब्रश टूल को एक्टिवेट कर लीजिए और इसके लिप्स को धीरे धीरे ब्रश कीजिए। और अगर आप इधर उधर भी ब्रश कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको लास्टली ठीक कर देंगे। फिर से एक्स दबा के जहाँ पे ज़्यादा ब्रशिंग हो गई है उसको हम फिर से ब्रश करेंगे ताकि वहाँ वाला कलर वापस आ जाए। यहाँ आप देखेंगे कि आपका कलर वापस आ गया है। अब ये वाली की दबा के आप अपनी ब्रश का साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तब आप कंट्रोल और ज़ीरो दबा के अपनी इमेज को स्क्रीन साइज़ में ला सकते हैं। अब आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, इमेज वैसी ही एडजस्ट हो चुकी है। अब हमारी इमेज बिल्कुल तैयार है, आप इसको देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको लिख के पोस्ट कर सकते हैं या फिर इमेज बना के यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। जो भी प्रोजेक्ट आप जिस भी इमेज पे काम कर रहे हैं आप यहाँ पे पेस्ट करके मुझे बता सकते हैं कि आपने किस तरीके की इमेज को एडजस्ट करके किस तरीके का बनाया है।